हे गाइज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल पर 69,000 शिक्षक भर्ती। थर्ड काउंसलिंग लिस्ट की दोस्तों आज सूचना जारी कर दी गई है। ऑफिशियल कट ऑफ जनरल ओबीसी एससी और दिव्यांग भाइयों की कट ऑफ क्या रहने जा रही है दोस्तों ऑफिशियल। अगर आप लोगों का दोस्तों इतना गुणांक बन रहा है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ में दोस्तों संशोधन वाले भाइयों बहनों के लिए अब 22,000 सीटों को जो मुद्दा है दोस्तों उसको किस तरीके से सरकार दोस्तों डील कर रही है। अभी दोस्तों हमने 22 तारीख को एक वीडियो अपलोड किया था, उसके माध्यम से दोस्तों बताया गया था कि 22,000 सीटों को लेकर दोस्तों सरकार क्या डिसीजन लेने वाली है। जो पॉइंट दोस्तों उस वीडियो में बताया गया था हूबहू दोस्तों वही पॉइंट सरकार की तरफ से दोस्तों आज निकल के सामने आई है, आप लोगों को दोस्तों दिखाया जाएगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर दोस्तों 22 तारीख का जो वीडियो हो आप लोग देख सकते हैं, उसमें क्या क्या बातें मेंशन किया गया, क्या क्या बातें दोस्तों बताई गई थी, वही बातें आज दोस्तों निकल के सामने आई है 22,000 सीटों को लेकर। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों जो भी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों 100% दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। जो बातें 22 तारीख को हम कह चुके थे दोस्तों वही आज आपके सामने है खबर कि 22,000 सीटों को लेकर दोस्तों सरकार के मन में क्या चल रही है। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस्य पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को दोस्तों आपके मोबाइल हैंडसेट पर मिल जाए और ऑल वाला नोटिफिकेशन आप लोग दोस्तों ऑन कर लीजिए। पहले दोस्तों आप लोग इस खबर का आप लोगों को दोस्तों हम निष्कर्ष बताते हैं, इस खबर का निष्कर्ष क्या है। पहले आप लोग ध्यानपूर्वक दोस्तों इस खबर को समझ लीजिए, क्या इस खबर का क्या दूरगामी परिणाम निकलने वाला है। बेसिक शिक्षा शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी। अच्छी बात है, जानकारी मांगी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनित शिक्षक पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सरकार की ओर से यह जानकारी खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के उद्देश्य से मांगी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय कुल मिलाकर करीब 70,000 से अधिक पद शिक्षक के दोस्तों भर्ती की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इससे पहले कोर्ट में बताया गया था कि उसके पास प्रसिद्धीय विद्यालयों में लगभग 51,000 पद खाली हैं और लगभग दोस्तों 22,000 से अधिक पद 68,500 शिक्षक भर्ती से खाली पड़े हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में कुछ पद भरे गए थे, लेकिन अब भी करीब 70,000 से अधिक पद पर नियुक्ति की जानी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2017 से अब तक हुई नियुक्तियों की जानकारी मांगे जाने के बाद नई भर्तियों की उम्मीद जगी है। सचिव ने सभी बीएससी से कहा कि सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा एक्सेल सीट में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के जरिए उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों जो 22 तारीख को वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई गई थी दोस्तों चैनल के माध्यम से कि 22,000 सीटों को लेकर दोस्तों सरकार के मन में क्या है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के दोस्तों मन में क्या है, तो दोस्तों आज आप लोग दोस्तों अपने सामने पा रहे हैं कि जो हमने बताया था कि जो 22,000 सीटों को दोस्तों नई शिक्षक भर्ती में दोस्तों फॉरवर्ड कर दिया गया है, 69,000 दोस्तों शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें दोस्तों नहीं जुड़ने जा रही हैं। दोस्तों जो कट सट है दोस्तों आप लोग उसको स्वीकार कीजिए, हम किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं सरकार कितना संजीदा है रोज़गार को लेकर। दोस्तों आप जरा सा बुद्धि लगाइए, सरकार क्या 22,000 सीटों को 69,000 में ऐड करना चाहेगी या नई शिक्षक भर्ती देना चाहेगी, जहां दोस्तों लगभग देखा जाए तो 20 लाख अभ्यर्थी हैं और जहां दोस्तों 60,000 अभ्यर्थी हैं। तो सरकार दोस्तों सब वोट बैंक पर डिपेंड करता है, सरकार आप लोग जानते होंगे सब वोट बैंक को देख कर अपनी रणनीति बनाती है, कहाँ दोस्तों लगभग 20 लाख अभ्यर्थी, कहाँ लगभग 65,000 अभ्यर्थी। तो दोस्तों सरकार किसको साधेगी, 20 लाख अभ्यर्थियों को। इसीलिए दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से भी बताया गया था कि जो
22,000 सीटें हैं दोस्तों, 51,000 सीटों में ऐड करके नई शिक्षक भर्ती आएगी। वही दोस्तों आज समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के सामने आई है, सचिव महोदय के बातों से निकल के सामने आई है दोस्तों, जो 22,000 सीटें दोस्तों ऐड नहीं होने वाली दोस्तों, इसको आप लोग सत्य को स्वीकार कीजिए दोस्तों। भले ही दोस्तों आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहिए, धरना प्रदर्शन का दोस्तों कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। लाभ दोस्तों आप लोग साथ में जो 22,000 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं, वही सीटें दोस्तों आप लोग फिर मांग करिए जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं हमारे भाई बहन दोस्तों, उनके साथ आप लोग जुड़ जाइए। जल्द से जल्द दोस्तों आप सरकार से दबाव डलाइए कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, सब चीज़ दोस्तों इसी आपके 2021 में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों 22,000 सीटों को दोस्तों फॉरवर्ड कर दिया गया नई शिक्षक भर्ती, आप लोग दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी बात बुरी लगी हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो बातें दोस्तों सत्य है उसी को इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताई जाती है, क्योंकि जो अधिकारियों से दोस्तों वार्ता होती है आपके अपने चैनल के माध्यम से, सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से दोस्तों, वही खबर आपको बताई जाती है कि 22,000 सीटों को लेकर सरकार के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों मैंने 22 तारीख को आपको बताया था कि 22,000 सीटों को ऐड नहीं किया जाएगा 69 से 4, इसीलिए दोस्तों अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जो आप लोग धरना प्रदर्शन 22,000 सीटों को लेकर कर रहे हैं दोस्तों, सरकार 20 लाख वोटरों को साधने के लिए दोस्तों नई शिक्षक भर्ती निकाल रही है। अगर यही चुनाव ना होता तो नई शिक्षक भर्ती नहीं आती, क्योंकि 2022 में चुनाव है, इसीलिए नई शिक्षक भर्ती दोस्तों आकर रहेगी। अब दोस्तों आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों सब लहजे में दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर हमारी बातों को दोस्तों आप लोगों को ठेस पहुंची है तो हम आपसे हाथ जोड़कर दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो सत्य बातें हैं दोस्तों वही आपके सामने रखी गई हैं। और जो 69 हज़ार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों, 30 जून को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों वहीं पर पूर्ण विराम लग जाएगी, उसके बाद दोस्तों उस प्रक्रिया में कुछ नहीं होना है। आप लोग लिख लीजिए, बस होना है तो दोस्तों संशोधन वाले भाइयों बहनों के लिए होना है बस, और कुछ नहीं होना है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। 26 जून को 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 26 जून को काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। परिषद की ओर से जिला आवंटन सूची का प्रकाशन 28-29 को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो काफ़ी समय से आपके अपने चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप लोगों को दोस्तों जून माह में ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगी, आप लोग दोस्तों हमारे कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, किसी भी वीडियो में दोस्तों ये भी नहीं बताया गया है। आप लोग YouTube पर उठाकर देख लीजिए, सब YouTube वाला चैनल बता रहे हैं कि जुलाई में जाएगी, लेकिन आपका इकलौता ऐसा चैनल था दोस्तों, बताया गया था 30 जून तक आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। वही दोस्तों होने भी जा रही, सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, ऑफिशियल दोस्तों सब चीज़ जारी हो रहा है कि कब कब क्या डेट होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और दोस्तों हर ग्रुप में दोस्तों इसको वायरल कीजिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक इकलौता ऐसा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती की छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी स्टेट में दोस्तों शिक्षक भर्ती निकलेगी, सबसे पहले जानकारी आपके अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या आप लोगों के दोस्तों ऑफिशियल गुणांक जाने वाले हैं। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, इस भर्ती में दोस्तों बहुत बड़े कारनामे भी हुए और भर्ती दोस्तों 3 साल में कंप्लीट भी होने जा रही है जून माह में। 4 लाख अभ्यर्थी दोस्तों शामिल हुए, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, 90-97 नंबर का क्राइटेरिया तय किया गया, जो दोस्तों पास होने वाले संख्या रही बीएड वालों की सबसे ज़्यादा रही, बीटीसी वालों की दोस्तों उससे आपके दोस्तों लगभग देखा जाए 38,610 और बीएड वालों की 97,368। और दोस्तों जो थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया है, जल्दी जल्दी दोस्तों आप सभी को अपडेट दे दी जा रही है, जो थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बीएड वाले भाई बहन इस पर दोस्तों वेट कर रहे हैं कि जो लगभग 6300 पदों पर दोस्तों होने जा रही है थर्ड काउंसलिंग प्रक्रिया, जो पिछली कटाप गई थी दोस्तों जनरल की गई थी 67.11, ओबीसी की गई थी दोस्तों 66.73, और जो एससी भाई की हमारी गई थी दोस्तों 61.01, और हमारे दिव्यांग भाई की दोस्तों गई थी 65.94।
अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा दोस्तों कौतूहल का दोस्तों विषय है कि अब ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों जो सूचना आपके अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आप सभी को बताई जा रही है, अगर इस कट ऑफ के अंतर्गत आप लोग दोस्तों आ रहे हैं तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र 30 जून को दोस्तों आप लोगों के हाथ में 100% दोस्तों आने जा रही है। आइए बात करते हैं दोस्तों क्या हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग का जनरल में है तो 66.20 से लेकर 66.30 के बीच में दोस्तों आप लोग कट ऑफ गई है जनरल की। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, तो 65.90 से लेकर दोस्तों 66 तक दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ गई है। इसके बीच में दोस्तों अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। और एससी की दोस्तों जो कट ऑफ गई है 59.01 से लेकर 59.05 तक दोस्तों बीच में आप लोग की कट ऑफ एससी की गई है। और जो दिव्यांग भाई की कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, अगर 63 आगे दोस्तों गुणांग बन रहा है तो आप लोगों को दोस्तों नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है 30 जून को। इतने गुणांग दोस्तों हैं तो आप लोग 10-10 सेट दोस्तों आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, डीडी दोस्तों आप लोग अपने रेडी कर लीजिए। दिव्यांग भाइयों की दोस्तों जो डीडी है दोस्तों उनको नहीं बनवानी है, 500 रुपये की डीडी दोस्तों जनरल ओबीसी को बनवानी है, और 200 रुपये दोस्तों हमारे जो एससी वाले भाई बहन हैं दोस्तों उनको डीडी बनवानी है। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों जो 22,000 पदों की संशोधन वाले भाई बहनों की बात की जाए दोस्तों, तो उनकी जो संशोधन है दोस्तों वो संशोधन होने के लिए दोस्तों सरकार अप्रूवल देने वाली है दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर। दोस्तों जो सूचना मिल रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो जो प्रक्रिया है उसको दोस्तों ख़त्म किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आप लोग के जो देखा जाए संशोधन वाले हमारे भाई बहनों को दोस्तों नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का दोस्तों अहित नहीं सोचा जाता, जो मतलब सरकार की तरफ से दोस्तों जो सरकार के विवेक में रहता वही सब बातें इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताई जाती है।